हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स गुरुकुल। दिस इज तानिया एब्रोल एंड आज हम लोग कर रहे हैं लेक्चर 3, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं एज यू ऑल नो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। देखो, हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तो कर चुके हैं जिसमें हमने जेनरेशन्स की, लेकिन वो हिस्ट्री या जेनरेशन्स में हम लोगों ने क्या किया था कि जहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इरा शुरू हुआ था, आज तक जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कहाँ से शुरू हुई थी, इनकी डेवलपमेंट, वो हमने पढ़ना शुरू किया था जेनरेशन्स में। सो अब हम लोग करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बनने से पहले भी बहुत सारी तरह के कंप्यूटर्स थे, लाइक मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स थे, ठीक है, जिन्हें हम बिजली से नहीं चलाते थे, किसी ना किसी मैकेनिकल सोर्स का, मैकेनिकल पावर का यूज़ किया जाता था उन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए। तो हम उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। वैसे तो ऐसे कंप्यूटर्स जो मैकेनिकल हैं या इलेक्ट्रॉनिक से पहले कुछ फेमस कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे हैं। इफ़ यू गो थ्रू द एवोल्यूशन, आप पूरी बुकलेट कोई पढ़ेंगे, कोई हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो बहुत सारे हैं, बट इतने सारे हमें याद नहीं रखने हैं और हम रख भी नहीं सकते, ना ही उनकी क्रिएशन वाली डेट्स याद रख सकते हैं, ना ही उनके जो इन्वेंटर्स हैं उनका नाम इतना याद रख सकते हैं। तो हम बहुत ही कुछ जो हैं इंपॉर्टेंट वंस, और वो किसी ना किसी चीज़ के लिए फेमस रहे हैं अपने टाइम पे, उन्होंने कोई ना कोई मार्क छोड़ा है हिस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग हम उन कुछ कंप्यूटर्स जो हैं आज के टाइम पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई गेस दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीबडी। अनदर पॉइंट, देखो, जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जनरली किससे स्टार्ट हुआ था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस से, है ना। कंप्यूटर को सबसे पहले जब कंप्यूटर बनना शुरू हुआ था तो उसका मेजर पर्पस क्या था, मैंने पहले भी बताया, कैलकुलेशन, है ना। सबसे पहला मेजर काम क्या था, कैलकुलेशन करना, जब हमने कैलकुलेटिंग डिवाइस का इन्वेंशन शुरू किया था। अब पहले बहुत बहुत हज़ारों सालों पहले की हम लोग बात करें तो कैलकुलेशंस लोग कैसे करते थे, लोग गिनती कैसे करते थे, गणना कैसे करते थे, तो कैसे करते थे, स्टोन्स को यूज़ करके, है ना, बोन्स को यूज़ करके, वुडन स्टिक्स को यूज़ करके, मतलब कुछ कुछ सोर्सेज जो नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल होते थे उस चीज़ों को यूज़ करके कैलकुलेशन की जाती थी। फिर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम कैलकुलेटिंग डिवाइस बनना शुरू हुआ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस से, कि पहला ऐसा डिवाइस जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ हुआ था, ऑलराइट। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे टोटल एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, तो वो कौन सा है, एबेकस, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेटिंग, और वी कैन से अर्लीएस्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस, पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस या अर्लीएस्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, एबेकस है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट कि इसके बेसिस पे और कैसा एमसीक्यू आपको आ सकता है, और कैसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, आप लोगों को पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, अगेन दिस वन, एबेकस, ठीक है। तो ये है आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अक्सर एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन, यही दो पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि जब कैलकुलेटिंग डिवाइस बनना शुरू हुआ या कंप्यूटर्स का जो इरा शुरू हुआ, सबसे पहले सिंपल कैलकुलेशंस के लिए ही डिवाइस बनना शुरू हुए, तो उन्हें हमने सबसे पहले नाम क्या था, कैलकुलेटर्स। तो एबेकस वॉज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, अक्सर इसे हम कैलकुलेटर भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को एबेकस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो एबेकस की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है, इट इज़ Abundant beats, addition, calculation, utility system, ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। इन केस अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एबेकस, सो इट इज़ अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अभी अबंडेंट बीट्स का मतलब क्या है, यू कैन सी इन द इमेज, यहाँ पर बीड्स यूज हुए हैं ना, तो इन्हीं बीड्स की हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन करते थे। और मेजरली ये किन तरह की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था, अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए, मेजरली एडिशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। अब देखो,
ये वाला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है बहुत 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 पुराने, हजारों सालों पहलों से कहा जाता है कि ये डिवाइस तब का इन्वेंट हुआ, और इसके जो क्रिएटिव कंपनी नहीं बोल सकते, कंट्री है या किसने ये बनाया, ये अभी तक कन्फर्म नहीं है। इफ़ यू गो टू द गूगल, आप डिफरेंट सोर्सेज पे देखोगे, आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कहीं पे लिखा होगा 300 BC, कहीं लिखा होगा 250 BC, कहीं लिखा होगा 3000 BC, तो यहाँ पे कन्फर्म्ड नहीं है कि इसका एक्चुअल सोर्स क्या है। बट कहा जाता है कि ये कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है एंशियंट टाइम्स से यूज़ होना शुरू हो गया है, एंड इज ऑल्सो नोन एज अ काउंटिंग फ्रेम। इसका एक और नाम है, हम इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। जैसे कि सेकेंड पॉइंट में लिखा है, एग्जैक्ट ओरिजिन इज नॉट येट इमर्ज्ड, अभी तक इसका एग्जैक्ट ओरिजिन पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि 5000 साल पहले से ही इसका जो यूजेज है, इन्वेंशन है, वो शुरू हो गया है, और चाइनीज जो है, एंशियंट चाइनीज, वहाँ से इसका ओरिजिन जो है वो शुरू हुआ है, चाइना से इसका ओरिजिन जो है वो शुरू हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये एडिशन वाला डिवाइस आज यूज़ नहीं किया जाता। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो एंशियंट टाइम में एडिशन के लिए यूज़ किया जाता था और स्टिल अब भी उसको यूज़ किया जाता, तो बच्चों को आज भी कैलकुलेशन सिखाने के लिए अबेकस का यूज़ किया जाता है, ये इट इज़ स्टिल इन यूज़। ठीक है, तो ये हो गया एवरीथिंग अबाउट अबेकस। जैसे कि मैंने बताया, इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, फर्स्ट टू पॉइंट्स आर देयर, ऑल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम, बहुत टाइम पहले चाइना से कहा जाता है इसका इन्वेंशन हुआ था, एंड दिस इज़ इट्स फुल फॉर्म, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है एवरीबॉडी, सो ये हो गया आपका फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसके बाद और भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनना शुरू हो गए, फॉर यू नो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, नंबर कैलकुलेशंस, इन सब के लिए बनना शुरू हो गए। तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ नेपियर बोन्स। ठीक है, इसका नाम नेपियर बोन्स क्यों है, क्योंकि ये भी एक मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, मतलब मैनुअल मतलब मैकेनिकल, इंसान खुद से कैलकुलेशंस यूज करता था इस तरह के डिवाइस को यूज़ करके। और इसका नाम नेपियर बोन्स क्यों है, क्योंकि इसके इन्वेंटर हैं जॉन नेपियर। ठीक है, कब उन्होंने पब्लिश किया था इसका फर्स्ट वर्जन अपना, 1617 में, और बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के लिए, क्योंकि जब हम अबेकस की बात करते हैं तो इट वाज द मेजर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, द मेजर कैलकुलेशन इज एडिशन कैलकुलेशन, है ना। तो यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जैसे कैलकुलेशन करने के लिए इस डिवाइस का इन्वेंशन हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की कैलकुलेशन के लिए भी, डेसिमल नंबर्स की कैलकुलेशन के लिए भी इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से दिखता है ये वाला डिवाइस। तो उसके बाद आया क्या, नेपियर बोन्स 1617 में। मेजर क्या क्वेश्चन आएगा कि किसने इन्वेंट किया है, तो जॉन नेपियर ने किया है। ऑलराइट, आई गेस दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद अनदर कैलकुलेटिंग डिवाइस पढ़ते हैं, और ये जो अभी तक मैं आपको बता रही हूँ, ये सब के सब मैकेनिकल कैलकुलेटर्स हैं। दीज आर नॉट यू नो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या डिजिटल डिवाइसेज हम बोले, वैसे नहीं है, मैकेनिकल कैलकुलेटर्स हैं, मतलब ऐसे डिवाइसेज हैं जिनको मैकेनिकली चला के कैलकुलेशन की जाती थी। उसके बाद आया पास्कलिन, जिसे हम पास्कल्स कैलकुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसे अरिथमेटिक मशीन भी कहा जाता है, पास्कलिन भी कहा जाता है। और इसका नाम पास्कल्स कैलकुलेटर क्यों बना, बिकॉज ऑफ इस इन्वेंटर्स नेम, इसके इन्वेंटर के नेम। इसके इन्वेंटर का नेम क्या था, ब्लेस पास्कल। 1642 में ब्लेस पास्कल ने ये कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस, अगेन फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, इसीलिए हम इसे अरिथमेटिक मशीन भी कहते हैं। इसका मेजर पर्पस क्या था, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। एंड आई गेस अरिथमेटिक कैलकुलेशंस का मतलब सबको पता है, इट्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के कैलकुलेशंस के लिए ये डिवाइस किसने बनाया था, ब्लेस पास्कल ने बनाया था। कब बनाया था, 1642 में। ये मशीन में भी ज़्यादा एडिशन पर्पस वाला काम होता था, तो इस वजह से इस मशीन को हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है बहुत से एग्जाम्स में कि पास्कलिन कैलकुलेटर इज ऑल्सो नोन एज वॉट, अरिथमेटिक मशीन, एडिशन मशीन और पास्कल्स कैलकुलेटर। ठीक है, और क्यों है पास्कल्स कैलकुलेटर, बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेंटर्स नेम ब्लेस पास्कल, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस पे। तो ये है आपका टैब्यूलेटिंग मशीन। ठीक है, ये है आपका टैब्यूलेटिंग मशीन। अब ये मशीन बनाया किसने, ये मशीन बनाया हरमन हॉलरिथ ने। ये नाम आई गेस मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने आपको पंच कार्ड्स के बारे में बताया था, है ना। तो ये बनाया किसने, हरमन हॉलरिथ ने बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि अमेरिका का सेंसस,
अमेरिका का जो सेंसस है 1880 से लेके 1890 के ईयर का, वो उन्होंने कैलकुलेट किया था यूजिंग दिस मशीन, टैबुलेट किया था यूजिंग दिस मशीन, इसीलिए इसका नाम क्या है, टैबुलेटिंग मशीन। कब उन्होंने इन्वेंट किया था, 1888 में, ताकि इन ईयर्स का क्या कैलकुलेट किया जा सके, सेंसस लाइक पॉपुलेशन डेमोग्राफी कैलकुलेट की जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें से कैसा आता है कि कौन सी ऐसी मशीन थी या कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जो 1880s में, ठीक है, 1880s के सेंसस को कैलकुलेट करने के लिए, यूएस के सेंसस को कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था, तो दैट वाज टैबुलेटिंग मशीन। किसने बनाया, हरमन हॉलरिथ ने। कब बनाया, 1888 में। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब यहाँ ही ये बात ख़त्म नहीं होती है, हरमन हॉलरिथ की और भी इन्वेंशंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिनके बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, यू मस्ट नो दैट, जो क्या है, पंच कार्ड्स, है ना। मैंने आपको पंच कार्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में एज एन इनपुट डिवाइस यूज़ किए जाते थे। सो इस तरीके के दिखते हैं आपके पंच कार्ड्स, इस तरीके के, या मैंने आपको बोलता इसमें स्मॉल होल्स होते हैं जिसमें डेटा इनपुट किया जाता है, है ना। तो ये रहते हैं पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स का इन्वेंशन किसने किया है, हरमन हॉलरिथ ने किया है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट, हॉलरिथ कार्ड्स। और इनका यूज़ किया गया था IBM कंप्यूटर्स में, तो इनको हम IBM कार्ड्स भी कहते हैं। IBM का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, तो IBM का फुल फॉर्म आपको क्या याद रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, which is also known as Big Blue। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि IBM का अनदर नेम क्या है, या IBM is nicknamed as what, तो Big Blue, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये IBM है क्या, एक्चुअली में एक कंपनी है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये तो सबको पता होगा, एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिग ब्लू, और IBM कंप्यूटर्स में इसका यूज़ हुआ, तो इसको हम IBM कार्ड्स भी कहते हैं। क्या, एक पेपर कार्ड्स होते हैं जहाँ पे कुछ होल्स पंच किए जाते हैं, जिसमें फीड किया जाता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनपुट किए जाते हैं, जिनके बेसिस पे आपका कंप्यूटर अपनी जो भी टास्क है या जो भी जॉब है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जब ये पंच कार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो पंच कार्ड्स की बात कर रहे हैं, इनका इन्वेंशन किसने किया, हरमन हॉलरिथ ने, मैंने आपको पहले भी बता दिया है ना, हरमन हॉलरिथ ने किया। और हरमन हॉलरिथ ने कब किया था, 1890 में। लेकिन इससे पहले ही, उनकी इन्वेंशन से पहले ही, उन्होंने किसके लिए किया था इन्वेंट, मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उन्होंने इनका इन्वेंशन कंप्यूटर के लिए किया था एज एन इनपुट डिवाइस, राइट। लेकिन इससे पहले भी किसी पर्सन ने पंच कार्ड्स का इन्वेंशन कर दिया हुआ था, बट फॉर कंप्लीटली डिफरेंट टास्क, किसी कंप्लीटली अलग टास्क के लिए। तो पंच कार्ड्स फर्स्ट इन्वेंट किसने किए थे, 1750 में पंच कार्ड्स इन्वेंट किए गए थे जोसेफ मैरी जैकवार्ड द्वारा, और किस लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया गया था इसका, टेक्सटाइल लूम्स के लिए, जो प्रिंटिंग एंड ऑल टेक्सटाइल्स पे कपड़ों पे होती है, उसके लिए इसका यूज़ किया गया था। तो दो लोग थे जिन्होंने पंच कार्ड्स बनाए, एक ने बनाया कंप्यूटर के लिए, एक ने बनाया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 1750 में बना था, जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने बनाया, और हरमन हॉलरिथ ने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर के लिए बनाया, फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, सेंसस कैलकुलेट करने के लिए, जो मैंने आपको टैबुलेटिंग मशीन का बताया, राइट। तो वो कब बनाया, 1890 के अराउंड। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो दिस इज इट, ये है आपका पंच कार्ड्स और हरमन हॉलरिथ की इन्वेंशंस। तो अक्सर कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जब आप गूगल करते हो कि पंच कार्ड्स वर इन्वेंटेड बाय, तो नाम दोनों आते हैं, तो कौन सा किस पर्पस के लिए, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ABC, आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर हम बोलते हैं ABC कंप्यूटर, है ना। दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस कंप्यूटर इन अर्ली टाइम्स। ABC का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, इट इज़ एटानसोफ बेरी कंप्यूटर,
ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म. और वाई इट वॉज फेमस, इट वॉज फेमस बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. क्योंकि अभी तक जो हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे ना, वो मैकेनिकल कंप्यूटर्स रहे, ठीक है, मैकेनिकल कंप्यूटर्स रहे, मतलब मैकेनिकली इनपुट होता था डेटा, मैकेनिकल सोर्सेस को यूज़ करके चलता था. लेकिन पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो इन्वेंट किया गया वो कौन सा था, वो था ABC, ठीक है, जिसका नाम फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया. एंड हु वॉज द इन्वेंटर, इन्वेंटर इज जॉन विंसेंट एटर्नसॉफ, इन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया. एंड व्हेन इट वॉज इन्वेंटेड इन 1939. इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में चाहिए, पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा. एंड दिस इज हाउ दिस कंप्यूटर लुक्स लाइक, ठीक है, ये हो गया. इसके बाद बढ़ते हैं आगे कि और कौन कौन से फेमस इन्वेंशंस जो हैं वो कंप्यूटर के हुए. तो नाउ हम आ जाते हैं ENIAC पे. और इससे पहले भी ये जो मैं आपको करवा रही हूँ मैकेनिकल कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको पहले करवाए लाइक टैबुलेटिंग मशीन एंड ऑल, इससे पहले भी आपके कंप्यूटर्स की इन्वेंशंस हुई थी, जिसमें मैंने आपको डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन के बारे में बताया था, है ना, वो तो हम कर चुके हैं. तो वो भी एवोल्यूशन में ही आते हैं और वहीं से आपका ये मॉडर्न कंप्यूटर का इरा जो है वो शुरू हुआ था, राइट. चलो उसके बाद आते हैं इधर ENIAC कंप्यूटर पे. ENIAC का फुल फॉर्म बहुत बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो यू मस्ट नो व्हाट द फुल फॉर्म इज. इट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. और क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है कि पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था. पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का मतलब क्या है, पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर और जिसमें प्रोग्राम्स भी थे. क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर तो डिफरेंस इंजन भी है, एनालिटिकल इंजन भी है, बट वो मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे, जहाँ पे हम लोग स्टीम को यूज़ करके, भाप को यूज़ करके उन कंप्यूटर्स को चलाते थे, बिकॉज वी यूज़ मैकेनिकल सोर्स उन कंप्यूटर को चलाने के लिए. लेकिन यहाँ पर कोई मैकेनिकल पावर नहीं लगती थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रॉनिक लगती थी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता था इनको चलाने के लिए. तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर या प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाए, तो वो कौन सा है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. और ये कब कंप्लीट हुआ था, 1945 में. इसको इन्वेंट करने वाले दो लोग हैं, बहुत फेमस नाम है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है. इट इज जॉन मॉचले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, ठीक है, इट इज द नेम ऑफ द इन्वेंटर्स ऑफ ENIAC एंड दिस इज हाउ इट लुक लाइक. ठीक है एवरीबॉडी, ये क्लियर हो गया सबको. तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट कंप्यूटर समझते हैं. नेक्स्ट कंप्यूटर इज EDVAC. अगेन इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है. अक्सर ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट या फिर अर्लीएस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है. अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर किसी को नहीं पता कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. कंप्यूटर अपने साइज, करेक्टरिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब की चीज़ों के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी टाइप्स में डिवाइड होता है, जो मैं आपको फर्दर आने वाले लेक्चर में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है. तो अर्लीस्ट नोन मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, यही है, ठीक है. और ये कब बनना शुरू हुआ था, 1940s की जो टाइम था उस टाइम पे ये सिस्टम जो है वो बनना शुरू हुआ था. इट वॉज द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी सिस्टम्स रादर देन द डेसिमल सिस्टम्स. अब ये फेमस क्यों था, बिकॉज इट हैड अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट. द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट कंप्यूटर वॉज डिजाइंड बाई जॉन वॉन नियरमैन इन 1947. जैसे कि मैंने बोला 1940s के अराउंड, तो एक्चुअल डेवलपमेंट इसकी 1947 में हुई थी. स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वॉज डिजाइंड बाई जॉन वॉन नियरमैन. आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बताया था, जो हम आज तक फॉलो करते हैं, वो है जॉन वॉन नियरमैन का, है ना. ये आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था जो आज तक के कंप्यूटर्स में फॉलो होता है. और उसमें उन्होंने क्या बोला था कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होंगे, इनपुट दी जाएगी, देन उसमें प्रोसेसिंग यूनिट होगा, है ना, देन उसमें स्टोरेज यूनिट होगा, उसमें आउटपुट यूनिट होगा. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना. तो यही वाला कंसेप्ट जिस कंप्यूटर में उन्होंने अप्लाई किया वो कौन सा था, EDVAC, ठीक है. तो इसीलिए बोला जाता है स्टोर्ड प्रोग्रामेबल कंसेप्ट जो था इस कंप्यूटर में यूज़ किया गया था. इट हैड मेमोरी, क्योंकि मेमोरी मैंने बोला स्टोरेज होगी, स्टोर्ड प्रोग्राम्स एज वेल एज डेटा फॉर इनपुट एंड आउटपुट. ये सारी चीज़ें इस कंप्यूटर में थी, जो जॉन वॉन न्यूमैन ने अपना आर्किटेक्चर बनाया था वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था इस तरह के कंप्यूटर में, ठीक है. तो ये हो गया EDVAC के बारे में. उसके बाद नेक्स्ट फेमस कंप्यूटर
जो आपको पढ़ना है दैट इज़ यूनिवैक, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेसिस पे हमको दो क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं. एक तो यूनिवैक का फुल फॉर्म, क्या फुल फॉर्म है? इट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. और ये फेमस क्यों है? ये तो हो गया पॉइंट नंबर वन जिसका फुल फॉर्म है. पॉइंट नंबर टू, व्हाई इज़ इट फेमस? इट इज़ फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर. अब फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर से मतलब क्या है, क्या होता है ये जनरल पर्पज कंप्यूटर? तो कंप्यूटर की वर्किंग के अकॉर्डिंग, जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है जनरल पर्पज कंप्यूटर, दूसरा होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर. आई एक्सप्लेन अबाउट ऑल दिस इन माई नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली. तो एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेशल पर्पस. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. डे टू डे लाइफ में हम कंप्यूटर्स का या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, फॉर यू नो डेटा स्टोरेज, फॉर यू नो स्टोरिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, या फिर आपकी डे टू डे लाइफ में जो आप कैलकुलेशंस करते हैं या बेसिक टास्क करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, इस सब के लिए है ना, जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है वो होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, जनरली कोई भी काम करते हैं. एक होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो स्पेसिफिकली टास्क ओरिएंटेड होते हैं. वो कंप्यूटर्स एक तरह के टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जैसे आपके फ्लाइट सिमुलेटर्स हो गए, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स हो जाते हैं. वो उन वहाँ वो जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो जो वहाँ पे जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं, वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, राइट? तो वो हो गए आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. तो ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो डेवलप किया था, ठीक है. और ये भी किसने किया था? इन्वेंटर्स ऑफ ENIAC. ENIAC के इन्वेंटर्स आपको पता है कौन है? जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉटले. इन्होंने ही किया था. और कब किया था? 1948 में. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर. ऑलराइट, उसके बाद लास्ट टाइप पे आते हैं हम लोग. लास्ट टाइप पे IBM 650. IBM 650 ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर ही है. और ये फेमस क्यों है? क्योंकि मैंने आपको IBM के बारे में बताया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस कंपनी के बारे में बताया. तो इस कंपनी का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं इस कंपनी का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? IBM 650. और इसी के बाद इन्होंने IBM कंप्यूटर्स की काफ़ी सारी सीरीज़ बनाना जो है वो शुरू कर दिया. बट पहला कौन सा है? IBM 650. IBM 650 मैग्नेटिक डम डेटा प्रोसेसिंग मशीन, अर्ली डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाय IBM इन मिड 1950s, ठीक है. और ये अनाउंस कब किया गया था? 1953 में. All right, so this is all about what? योर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. और यहाँ पे मैं एवोल्यूशन क्यों ख़त्म कर रही हूँ? क्योंकि मैंने बोला कि ये जो मैं आपको ENIAC बताया, यूनिवैक बताया, HSEC बताया, या फिर मैंने IBM 650 बताया, दीज आर ऑल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की. ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यूनिवैक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, देन योर IBM 650 ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है. ये चारों ही आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं. उसके बाद धीरे धीरे इन्हीं की सीरीज़ जो है वो बनना शुरू हो गई, ठीक है. IBM 650 सीरीज बनना और शुरू हो गई. आगे आगे इसके वर्जन्स आते गए, यूनिवैक के वर्जन्स आते गए, मतलब और फीचर्स इसमें ऐड होते गए, ठीक है ना. तो यहीं से हमारी जनरेशन्स शुरू हो गई. बट उससे पहले जो यूज़ हो रहे थे वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल या मैकेनिकल कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे थे, जहाँ पे हम लोग बिजली से नहीं किसी ना किसी मैकेनिकल सोर्स को यूज़ करके हम उनमें कैलकुलेशंस या भी जो भी जॉब होते थे वो कंप्यूटर्स परफॉर्म करते थे. ऑल राइट, सो आई गेस दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सबको इतना अच्छे से क्लियर हो गया है. तो ये जो कंप्यूटर्स मैंने आपको करवाया, एटलीस्ट ये तो आप मत भूलना कि क्या है, क्यों फेमस हैं, इन्वेंटर्स कौन है, किस ईयर में इन्वेंट हुए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कल के लेक्चर में, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं. तो कल के लेक्चर में ये जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो फंडामेंटल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, हम इसको रैप करेंगे. कैसे रैप करेंगे, किसके साथ? एट लास्ट मैं आप लोगों को हर टाइप्स जो हैं कंप्यूटर्स के, सारे टाइप्स जो हैं वो पढ़ाऊंगी, कि जनरल पर्पस क्या है, स्पेशल पर्पस क्या है, मेन फ्रेम, मिनी, सुपर कंप्यूटर्स क्या है, और इनके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है एवरीबॉडी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द लेक्चर. इफ़ येस देन डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक बटन. और आप में से कोई भी नया है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करना, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए. कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हो, या आपको ऐसा लगे कोई पॉइंट है जो आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मुझे रेफरेंस देते रहिए, मैं कमिंग लेक्चर्स में ज़रूर आप लोगों को पढ़ाऊंगी. ऑलराइट, सो टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय.